दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जिनमें से कुछ गोरिल्ला बने तो कुछ इंसान। गोरिल्ला आज इंसानों की तरह दो पैरों पर चलने वाले जानवर हैं और बेहद गुस्सैल भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला अपने शिकार पर हमला कैसे करते हैं? क्या होगा जब एक तेंदुआ गोरिल्ला की गैंग के सामने आएगा? क्या गोरिल्ला मम्मी अपने बच्चे को लैपर्ड से बचा पाएगी? क्या अजगर बेबी मंकी के थप्पड़ों से डर जाएगा? या बंदर का ये आखिरी दिन है? अगर आप भी ऐसे ही डरावने और खौफनाक हमले देखना चाहते हैं तो इन सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। बस इस वीडियो के एंड तक बना रहना होगा। नंबर 1, लायन वर्सेस ज़ेब्रा। दोस्तों जंगल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है शेर, और इस वीडियो में शुरुआत में हम शेर खान के जानलेवा हमले ही देखने वाले हैं। यहाँ दो शेर दोस्त जंगल में नाश्ते के लिए निकले थे। सुहानी सुबह में इन दोनों को एक बेबी ज़ेब्रा जाता हुआ नजर आया, जिस पर इन दोनों की नीयत खराब हो गई और मौका मिलते ही इन दोनों ने ज़ेब्रे की तरफ दौड़ लगा दी। बेबी ज़ेब्रा ने भी जैसे ही अपनी मौत को देखा वो भी भागने लगा, लेकिन बेचारा ज्यादा दूर तक इन शिकारियों से बच नहीं पाया और अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया शुरू होने से पहले ही। शेर को लगता है कि ज़ेब्रा के साथ पुराना पंगा लेना जरूरी है, तभी तो देखते ही उस पर टूट पड़ता है। यही देख लीजिए, ज़ेब्रा मस्त धूप में घूम रहा था, तभी शेर को टेस्टी लंच की खुशबू आई और शेर खान खुशबू सूंघते हुए ज़ेब्रा के पास आ पहुंचे और उसकी गर्दन अपने जबड़ों में दबोच ली। ज़ेब्रा तो इतना टाइम भी नहीं ले पाया कि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर भी मारे। नंबर 2, लैपर्ड वर्सेस हनी बेजर। भाई वैसे तो हनी बेजर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और अपने इशारों पर शेर महाराज को भी नाच नचा देता है, लेकिन आज तो तीन तीन लैपर्ड्स ने अकेले हनी बेजर को दबोच रखा है और उसे डाइनिंग टेबल पर सजाने की तैयारी में है। हनी बेजर पहले तो इनकी मार खाता रहता है, लेकिन जैसे ही इसके दिमाग की खिसकती है वैसे ही गुस्से में उठता है और एक एक तेंदुए को जमकर गालियां सुनाता है, उन पर गुर्राता है और लगातार वार करके यहाँ से बड़ी शान से चलता बनता है। नंबर 3, टाइगर वर्सेस बियर। दोस्तों जंगली बिल्लियों में खूंखार गिरी में बाघ का नाम सबसे ऊपर है। ये बड़ा ही दर्दनाक हमला करते हैं और आज का मुकाबला होने वाला है बाघ और भालू के बीच। देखते हैं कौन किसको पीटेगा। यहाँ बाघ महाराज सुबह सुबह मस्त अंगड़ाई लेकर नाश्ते के लिए निकले, दूसरी तरफ भालू भाई भी नाश्ते की तलाश में दर दर भटक रहे थे। तभी इन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। भालू सही मौके की तलाश करता है और मौका मिलते ही टाइगर को डराने धमकाने लगता है और टाइगर भी अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी वहां दूसरा टाइगर आता है और पूरा केस पलट जाता है। अब भालू बड़ी बड़ी आंखों से इन दोनों बाघों को देखने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि आगे गए तो जिंदगी से रफा दफा कर दिए जाएंगे, इसलिए भालू दुम दबाकर वहां से भागता है। इसे कहते हैं पासा पलटना। नंबर 4, बबून वर्सेस चीता। भाई बबून जितने शरारती और मस्तीखोर होते हैं उतने ही गुस्सैल भी। इन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं कि इनके घर के आसपास कोई भी भटके, लेकिन आज इस चीते ने ये गलती कर दी। वो खाने की तलाश में बबून्स के इलाके में घुस आया और चीता की ये बात बबून्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो इस घुसपैठिए को भगाने के लिए मैदान में उतर आए। इधर अंदर ही अंदर कांप रहा चीता दूसरे चीते के पास पहुंच गया, लेकिन लंगूरों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और अपने इलाके से दूर तक खदेड़ा है। कुछ ऐसा ही यहाँ होने वाला है। चीता भाई साहब बबून्स के इलाके में घुस आए हैं और मस्त पूरे इलाके का मुआयना लेने के बाद इत्मीनान से पानी पीने बैठ गए, लेकिन लंगूरों ने चीता को देख लिया और सब के सब चीता के पीछे पड़ गए। बेचारे चीता को तब तक भगाया नहीं जब तक कि वो बबून्स के इलाके से बाहर नहीं गए। नंबर 5, मंकी वर्सेस पाइथन। भाई बंदरों को ऐसा लगता है कि उनके थप्पड़ों से पूरा जंगल ढेर हो जाएगा। मैच्योर बंदरों का तो पता नहीं, बल्कि बेबी मंकीज की तो यही थियरी होती है। अब इस बेबी मंकी को ही देख लीजिए, जो नदी में नहाने के लिए कूदा था तभी वहां एक विशाल अजगर आ गया। बेबी मंकी अजगर को देखकर घबराया नहीं या डरा नहीं, बल्कि उस पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी, कभी कभी आगे तो कभी पीछे, और उसे छेड़ने लगा। अब इस बंदर को कौन समझाए कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी नादानी हो सकती है। नंबर 6, बबून वर्सेस लैपर्ड। तेंदुए की नजर दोस्तों भूख लगने पर चील की तरह शार्प हो जाती है। इस तेंदुए को भी बड़ी तेज भूख लगी थी और लकली इसकी नजर पड़ गई लंगूर पर। तेंदुए ने भी आव देखा ना ताव और फुर्ती से दौड़ लगा दी, उसके पीछे पेड़ पर भी चढ़ गया। बंदर ने डाली से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तेंदुए ने भी लंगूर के पीछे की छलांग लगा दी।
और उसे धर दबोचा। आखिरकार लंगूर का काम तमाम हो ही गया। अब तेंदुए की पार्टी। गोरिल्ला वर्सेस लेपर्ड। दोस्तों, गोरिल्ला जंगल के वो जीव हैं जो हम ह्यूमंस की तरह होते हैं। ये बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन टाइम आने पर सबसे ज्यादा अग्रेसिव भी यही नजर आते हैं। गोरिल्ला हमेशा अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है और खूब मस्ती भी करता है। ये खाने के लिए ज्यादातर फल सब्जियों का यूज करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो दूसरे जानवरों को मारकर भी खा जाते हैं। गोरिल्ला का वजन 126 से 227 किलोग्राम तक हो सकता है और ये 1.7 मीटर्स तक लंबे होते हैं। गोरिल्ला का एक इलाका होता है जिसमें ये पूरे झुंड के साथ रहते हैं और उस इलाके में किसी भी जानवर का आना मना होता है, और अगर कोई आ गया तो उसकी खैर नहीं। और आज ऐसी ही गलती कर बैठा यह तेंदुआ। इस तेंदुए को बीबी ने जब लात मार के घर से निकाला तो ये भाई साहब दुखी हो गए और गलती से गोरिल्लाज के इलाके में चले आए, और अब अपनी गलती का एहसास हुआ तो पेड़ पर चढ़ गए ताकि इन खूंखार शिकारियों की मार से बचा जा सके। लेकिन तभी तेंदुए को भूख लगी और उसे नजर आया बेबी गोरिल्ला, जिसे पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ा। लेकिन उससे पहले कि लेपर्ड के ये नेक इरादे कामयाब होते, मम्मी गोरिल्ला को उसकी गंध आ गई और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए के पीछे पड़ गई। बस पर क्या था, तेंदुए को चांद तारे नजर आ गए और वो जान बचाकर यहां से भागता हुआ नजर आया। क्यों लेपर्ड भाई, कैसी लगी? नंबर 8, गोरिल्ला वर्सेस ह्यूमन मेड लेपर्ड। यहाँ गोरिल्ला के साथ लोगों ने लड़ाई तो झगड़ा नहीं किया है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट तरीके से गोरिल्लाज की पूरी टोली से पंगा जरूर लिया है। दरअसल कुछ शिकारियों ने एक नकली तेंदुए को गोरिल्ला के इलाके में झाड़ियों के पीछे छिपा दिया और खुद भी छिप गए। लेकिन तब ये गोरिल्ला को ये नकली लेपर्ड नजर आ गया और उस लेपर्ड को खींच कर झाड़ियों से बाहर निकाल लिया, और देखते ही देखते वहां गोरिल्लाओं की पूरी टोली आ गई और सब तेंदुए से डरते हुए उस पर वार करने लगे। गोरिल्लाओं ने डंडे उठाए और जम के तेंदुए की पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक इस पुतले को मारने के बाद चिल्लाने के बाद एक गोरिल्ला का दिमाग दौड़ा और उसने देखा कि ये तो नकली है। तब कहीं जाकर गोरिल्ला शांत हुए, लेकिन इतना तो तय है कि अगर कोई इंसान आज गोरिल्ला को यहाँ दिख जाता तो खैर नहीं थी। तो दोस्तों, ये थे जंगल की दुनिया के कुछ खतरनाक शिकारियों के खतरनाक हमले। इनमें से कौन सा हमला सबसे खतरनाक लगा और गोरिल्ला के बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।